हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों कम्युनिकेशन क्लास 3, इस क्लास में हम जानेंगे इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, कक्षा में प्रभावी संचार किस तरह से किया जाता है। दोस्तों ये क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद में यूजीसी नेट में 2012 से लेके आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं 2023 तक, उस सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों क्या आप दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट JRF क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स होंगे। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, अपडेटेड वीडियोस हैं ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमने बनाई हैं। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको मार्च 2023 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको मिलेंगे। और नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आज तक रिसर्च में आ चुके वो अलग है, टीचिंग के अलग, ICT के अलग, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पाँच पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि जैसे हम बात करें रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च के अलग है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अलग है, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो अलग अलग किए हुए आपको मिलेंगे। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप में लाइव मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी दशहरा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। इस ऑफर में आप केवल 599 रुपये में ये कम्प्लीट कोर्स ले सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, प्लस में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 महीने आप स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों देर किस बात कि जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों जी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जब हम क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक टीचर के लिए काफ़ी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। उसके आसपास का वातावरण कैसा है उसको समझना ज़रूरी है, अपने टीचिंग स्टडी मटेरियल को समझना ज़रूरी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं, जब मैं भी पढ़ाता हूँ तो कई चीज़ें हमें पता नहीं चलती, कई टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो हमें पता नहीं होता उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। तो वहाँ पे हमें नर्वस नहीं होना चाहिए, हमें बताना चाहिए भाई ये टॉपिक अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसका मैं आंसर कल दूंगा, सिंपल सा आप बोल दो उनको। हम जो टीचर हैं, टीचर कोई भगवान नहीं है, टीचर भी आपके जैसे ही है, हमारे जैसे ही है, उन्हें भी कई चीज़ें नहीं आ सकती, तो कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो काफ़ी तरह की चीज़ें होती है दोस्तों कम्युनिकेशन संचार में, किन कई चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए कक्षा संचार में निम्न 4 सोपान होते हैं, क्या चीज़ें होती है। देखिए सबसे पहले हम क्या होता है, शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करना। देखिए जब तक हम जो बच्चे हैं, बच्चों की रुचि पैदा नहीं करेंगे टीचिंग के अंदर, तब तक हम अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। चाहे हमें कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, कितना भी अच्छा स्टडी मटेरियल ना हो, वो हमारे लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जब तक हम उनका इंटरेस्ट क्रिएट ना कर सकें। और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, हम बच्चों के साथ मजाक भी कर सकते हैं, बच्चों को अच्छा स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, इंटरेक्टिव चीज़ें लेके आ सकते हैं उनके लिए, LED पैनल लेके आ सकते हैं, वीडियोस इस्तेमाल कर सकते हैं और कई उदाहरण भी उनको हम दे सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं। और हमें एग्जांपल ऐसे देने चाहिए जो बच्चों से रिलेट हो, ऐसे एग्जांपल नहीं देने चाहिए जैसे इंग्लैंड का एग्जांपल दे रहे हैं, किसी और देश का एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें लोकल एग्जांपल जब हम देंगे तो वो अपने आप को उससे रिलेट करके चलेंगे। तो काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। और उसके बाद में हम बात करते हैं विषय वस्तु को संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट मैटर, जो भी हमारे पास मैटर है, स्टडी मटेरियल है जो हमें टीच करना है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में बताना ज़रूरी है। पहले हम बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमें सिखाना ज़रूरी है ताकि उनको चीज़ें समझ।
आ जाए। सबसे पहले हमें उनको वो चीज़ें बतानी चाहिए जिनके बारे में वो ऑलरेडी जानते हैं, जिनसे वो अपने आप को रिलेट कर सकते। उसके बाद में हम बात करते हैं रिव्यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। जो चीज़ हमने तैयार की है क्लास में बताने के लिए, वो हमें देखना चाहिए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमें लेसन आज पढ़ाना है, जो चीज़ बच्चों को आज सिखानी है, क्या ये चीज़ उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्टडी मटेरियल है या नहीं है, वो हमें रिव्यू करना ज़रूरी है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जब भी हम स्टडी नोट्स बनाते हैं तो पढ़ाने से पहले मैं खुद उसको पूरा पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि जो चीज़ मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ वो इसमें है या नहीं है। आज की सुबह की बात है, सुबह मेरे को लगा कि यार नहीं, नोट्स में कुछ ना कुछ कमी है। इसके अंदर हमें क्वेश्चन भी डालने ज़रूरी है। अगर हम थ्योरी करवा रहे हैं उसके साथ अगर क्वेश्चन भी होंगे तो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे स्टूडेंट कि आज तक इस थ्योरी में से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये चीज़ हमने इंक्लूड की। तो आज यही करने वाले हैं, पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक होना ज़रूरी है। हम कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, कमियां हो सकती है, नेचुरल सी बात है, वो कमियां कौन बताएगा, वो हमें स्टूडेंट बताएंगे। तो दोस्तों आप भी हमें फीडबैक ज़रूर देना, आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। यार आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर कोई कमी है तो कमी भी बताया करो, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी हमें बताया करो, ठीक है। तो आप भी हमें फीडबैक ज़रूर देना, तो बच्चों से फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर को। तो ये चीज़ कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रभावी कक्षा संचार की क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब देखिए इसके हमारे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारे अलग अलग हो सकते हैं। जो सिद्धांत है, सिद्धांत देखिए शिक्षकों के लिए सिद्धांत हो सकता है प्रिंसिपल फॉर टीचिंग, और मैसेज डिजाइन करने के दौरान हम किन चीज़ों का ध्यान रखें उसके प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। शिक्षण विधि और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत हो सकता है, और अनुकूल शिक्षण वातावरण के लिए सिद्धांत हो सकता है। तो ये चारों के लिए अलग अलग जो सिद्धांत है उन पर हम बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए शिक्षकों के लिए क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल फॉर टीचर्स। देखिए डेवलप ए रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग। अब देखिए आसपास के वातावरण के बारे में संवेदनशील होना, अब इसका मतलब ये है कि कई बार क्या है कि कई स्टूडेंट सॉरी कई टीचर ऐसे सोचते हैं कि हमें तो सिलेबस कंप्लीट करवाना है, हमें कोई मतलब नहीं है। अब कल की मैं आपको बात बताऊं, कल मैं क्लास ले रहा था, ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो पास में क्या था कि डीजे बज रहा था, तो उससे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो मैंने स्टूडेंट को बोल दिया भाई दोस्तों आज हमारी क्लास नहीं, हमारी क्लास थोड़ी देर चली थी, आधा घंटा क्लास चली थी, फिर वो क्लास मैंने बंद कर दी। अब देखिए अगर मेरे को फॉर्मेलिटी करनी होती तो मैं फॉर्मेलिटी कर देता वहाँ पे, क्लास खत्म मतलब पूरी क्लास लेके चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए मैं बंद कर देता। लेकिन एक अच्छे टीचर को अपने आसपास के वातावरण के बारे में पता होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। अगर आसपास कुछ गलत घटित हो रहा है तो उसको सही करने का प्रयास करना चाहिए और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। फिर है डेवलप प्रोफेंसी इन द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु में दक्षता विकसित करना। अब जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, जैसे जो चीज़ हमने आज पढ़ाई है वो चीज़ अगर एक साल बाद पढ़ा रहे तो हमें देखना चाहिए इसमें क्या चीज़ इम्प्रूव हुई है और क्या चीज़ हम इसमें और जोड़ सकते हैं, वो एक टीचर को पता होना। जैसे अगर हम बात करें 2019 का जो सिलेबस है वही सिलेबस हमारा आज भी है, लेकिन 2019 में जो क्वेश्चन आते थे यूजीसी नेट में उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, कई चीज़ें उसमें ऐड हुई है, आईसीटी में कई नई चीज़ें आई है। तो हमें देखना होता है कि जो सिलेबस के बाद में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई है। सिलेबस तो चलो सेम है हमारा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में किन नए टॉपिक को दिया जा रहा है ये हमें पता होना चाहिए, अप टू डेट रहना ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने भी अप टू डेट स्टडी नोट्स बनाए हैं और हमने एनालिसिस किया है कि कौन से एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारे पास 2012 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो वो आप हमारी ऐप निमिज नेट में ले सकते हैं। तो एक टीचर को अप टू डेट रहना चाहिए। फिर है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, हमारे हमारे जो लर्नर्स हैं उनको समझना चाहिए वो कौन सी लैंग्वेज जानते हैं और उनका लेवल कितना है,
किस लेवल तक वो पढ़े लिखे हैं, उनके समझने की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। उनका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं और वो किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और एक और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, पूर्व ज्ञान। बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों को कितना आ रहा है पहले, उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना चाहिए। क्लास के अंदर उसको देखना चाहिए बच्चों को कितना आ रहा है। फिर इफेक्टिव क्लासरूम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। अब जो टीचर है, टीचर के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो उसको धमकाने का उसके अंदर सामर्थ्य भी होना चाहिए, प्लस में उसको मोटिवेट करना भी आना चाहिए। बच्चों को किस तरह से वो मोटिवेट करेगा, और उसको हंसी मजाक भी आना चाहिए कि किस तरह से वो क्लास को एंटरटेनमेंट बना सकता है। फिर है शिक्षा विज्ञान। शिक्षा विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम बीएड करते हैं, बीएड क्यों करते हैं, उसके अंदर हमें एक तरीका बताया जाता है कि किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, वो सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। फिर है शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ। उसको ऑब्जेक्टिव और कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी है, यानी कि उसका एक टीचर का कर्तव्य क्या होता है, टीचर का कर्तव्य होता है बच्चों को सही रास्ते पे लेके चलना, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना। तो अगर कोई टीचर किसी बच्चे में कुछ गलत चीज़ें देख रहा है, सामाजिक गलत एक्टिविटी देख रहा है, तो उसको रोकना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। उसके लिए का मतलब केवल इतना नहीं है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, अपनी चीज़ें कंप्लीट करवा दी, बस इस यहीं तक उसे सीमित नहीं रहना चाहिए। तो फर्ज बनता है कि वो को एक अच्छे मार्ग पे लेके चले। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, संदेश नियत करने के सिद्धांत, प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिजाइन। मैसेज डिजाइन हमें कैसा करना चाहिए, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्लास के अंदर वो कैसा होना चाहिए। ये देखिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, वो स्पेसिफिक होने चाहिए। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है, ये देखिए, स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल। जो भी हम उद्देश्य डिसाइड कर रहे हैं, अब मान के चलते हैं भाई हमें क्लास के अंदर 80% नंबर लेके आने, तो ये क्या है, स्पेसिफिक है, 80% नंबर लेके आने हैं। मेजरेबल है, इसको मेजर कर सकते हैं 80%। फिर अचीवेबल, 80% नंबर तो हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। फिर रियलिस्टिक, यथार्थवादी भी है। और उसके बाद में टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम होना चाहिए भाई इस एग्ज़ाम में दिसंबर 2023 में, है ना। ऐसे हम टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं भाई इतने महीने में इस एग्ज़ाम में मेरे को इतने नंबर लेके आने हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये कहते भाई मेरे को एग्ज़ाम में 110% नंबर लेके आने, तो ये क्या, ये तो स्पेसिफिक नहीं है। और ये देखिए, रियलिस्टिक तो नहीं है ना, क्योंकि एग्ज़ाम ही 100 नंबर का होता तो उसमें 110 नंबर कैसे आ जाएंगे, वो रियलिस्टिक नहीं है। तो जो भी चीज़ है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, यथार्थवादी होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या है कि हमारा जो मैसेज है, जो भी हम टीच कर रहे हैं, वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आगे पीछे ऊट पटांग चीज़ें। सुबोध भाषा का उपयोग, सही भाषा का उपयोग करना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिनके बारे में बच्चे नहीं जानते हो। आसान और सिंपल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उचित प्रतीक, राइट सिंबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनके बारे में लोग अच्छे से जान सके, ऐसी चीज़ें हमें बतानी चाहिए। और प्रासंगिक अभ्यास, रिलेवेंट प्रैक्टिस। अब कई बार क्या है कि बच्चों को हम काम बहुत ज़्यादा दे देते हैं ना, भाई आपको 50 क्वेश्चन लिख के लेके आने हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है होमवर्क, तो उनको होमवर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। फिर टेंशन क्रिएट होती है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ के अंदर। बच्चों को इतना ही काम दो जितना वो आसानी से कर सके। फिर उदाहरण अच्छे देने चाहिए बच्चों को, जो भी हम मैसेज डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर अच्छे उदाहरण चाहिए, लोकल एग्जाम्पल उसके अंदर होने चाहिए। तो ये चीज़ है। उसके बाद में है प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल्स मेथड एंड मीडिया। जो भी हम मेथड चुनाव कर रहे हैं, तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रासंगिक और उचित विधा में मीडिया का चयन, सेलेक्ट रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड एंड मीडिया। अब हमें ऐसा मेथड यूज़ करना चाहिए जो सभी के लिए उपयुक्त हो। अब जैसे हम बात करके चले कि हम ऐसी एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं जहाँ पे जिनके बारे में बच्चे जानते नहीं, एक हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं, YouTube पे क्या है कि सभी बच्चे जानते हैं। और अगर हम कह दें भाई ये YouTube की वीडियो ये आप देख लेना, और उनको सभी को लिंक दे दे, तो अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं।
इसके बजाय अगर हम कोई एक नई एप्लीकेशन हमने डेवलप कर ली, हम कहें जी बच्चों आपको इस एप्लीकेशन में साइन अप करना है, आपको ये डालना है वो डालना है, मतलब अगर हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर देंगे तो बच्चे का ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मीडिया का चयन ऐसा करना चाहिए जो सभी की पहुंच में हो, आसानी से उसको समझ में आ सके। यूज़ वेराइटी ऑफ मेथड एंड मीडिया, हम अपने टीचिंग में अलग अलग वेराइटी और मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बच्चों को बोरियत महसूस ना हो, उनका इंटरेस्ट बना रहे। नई नई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या है कि बोर होने से बच जाएंगे, उनकी रुचि ज़्यादा बनेगी। फिर यूज़ गुड क्वालिटी मीडिया, अब हमें जो भी हम कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए चीज़ों में, लेकिन क्वालिटी बढ़िया उसकी होनी चाहिए। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया, शिक्षण अधिगम में विभिन्न मीडिया का एकीकरण, जब हम वो कर रहे हैं टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें कई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्लास में ऑफलाइन क्लास चल रही है, बच्चों को कुछ मॉडल समझाना है, कुछ चीज़ें समझानी है, तो उसके लिए हम एनिमेशन वीडियोस दिखा सकते हैं, या कुछ ग्राफ लेके आ सकते हैं वो उनको दिखा सकते हैं, या रियल मॉडल दिखा सकते हैं उनको। तो इस तरह से अलग अलग मीडिया का इस्तेमाल कर अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिंग सॉरी प्रिंसिपल फॉर हाँ क्रिएट क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। देखिए हमारा जो एनवायरनमेंट है, टीचिंग एनवायरनमेंट कैसे अच्छा बनेगा, जो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित होगी, अगर कक्षा में 100 बच्चे हम रख ले तो वहाँ पे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे शोर करेंगे, उनको बार बार चुप करवाएंगे, चुप कराएंगे, चुप हो जाओ चुप हो, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होंगे। तो सीमित संख्या में बच्चे होने चाहिए, कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, कक्षा के साथ सामर्थ्य और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जो भी बच्चे हैं छात्र हैं छात्रों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन हमारा होना चाहिए। और फिर है प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, बच्चे हमें फीडबैक दे सके। कई बार क्या होता है कि बच्चा हमसे कुछ पूछना चाहता है लेकिन वो पूछ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो हमसे डरता है ना, वो बात बताने में डरता है, हमसे शेयर करने में डरता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा मैकेनिज्म बिल्डअप करना चाहिए कोई भी बच्चा हमें अपनी बात बता सके। और फिर है एनकरेज इनोवेशन, इनोवेशन क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है प्रोवाइड रेनफोर्समेंट, प्रबल प्रदान करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को पुरस्कार देने चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करती है क्लासरूम कम्युनिकेशन जी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, अब हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आए हैं हमारे वो हम देखते हैं। दोस्तों अगर आपको यूजीसी नेट पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं तो हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। ये देखिए इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन टू है एडुटेनमेंट, यानी कि ऐसा होना चाहिए उसके अंदर एजुकेशन भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो, दोनों चीज़ों का समावेश उसमें होना चाहिए, ऐसा हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लास के। उसके बाद में हम बात करते हैं एक मिनट के बाद में है अगला हमारा, अरे ट्रायल नहीं लेना भाई। अब देखिए अगला है ये देखिए, डैश इज ए इम्पॉर्टेंट व्हेन ए टीचर कम्युनिकेट विद हिज हर स्टूडेंट, जब एक शिक्षक बच्चों से बातचीत कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उनकी आवाज़ में उनके लहजे में क्या होना चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए, तदनुभूति होनी चाहिए। इम्पैथी का मतलब है कि जैसा बच्चा है बच्चे के अकॉर्डिंग हमें होना चाहिए, अगर बच्चा नर्वस है तो उसे हमें आराम से बताना चाहिए, अगर बच्चा डर रहा है, बच्चे ने मान के चलिए आज काम नहीं किया, वो बेचारा बच्चा डर रहा है, तो हमें उससे ज़्यादा डराना नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें टीचिंग करनी, एम्पैथी होनी चाहिए उसके अंदर।
अगर बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है क्लास के अंदर तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए। इम्पैथी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, इम्पैथी, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों आगे जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसाइडर एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कोग्नेटिव, संज्ञानात्मक होना चाहिए, ज्ञान देने वाला हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, ऐसा हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत है बट जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, इन क्लासरूम ए कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। क्लास के अंदर जो बच्चे हमसे बातचीत कर रहे हैं उसका विश्वास हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आई कांटेक्ट के जरिए डिसाइड कर सकते हैं। अगर बच्चा आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है तो हमें लगेगा भाई इसमें कॉन्फिडेंस बहुत। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान का। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सामाजिक पहचान आधार। और उसके बाद में हम देखते हैं, देखिए ये देखो वो आ गया ना, ये देखो 2017 में आया, वो पहले आया था शायद 2013 में, ऐसा कुछ। क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियल बी। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? एम्पैथेटिक, वो था ना हमारा एम्पैथिक था पीछे वाला क्वेश्चन में, तो ये देखो तदानुभूति होनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है हमारा। और उसके बाद में हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये देखिए इम्पैथी का फिर आ गया, ये देखिए ये दिसंबर शायद, हाँ दिसंबर 19 में आया है। देखो, इम्पैथी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेट। ये देखो इम्पैथी का फिर से आ गया ना हमारा ये क्वेश्चन, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इम्पैथी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इम्पैथी लिंक्स द टीचर एंड स्टूडेंट, ये दोनों चीज़ें हमारी सही है। समानुभूति, समानुभूति का मतलब ये है कि जैसा जैसा बच्चे की फीलिंग है, जैसे बच्चा बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें बनना। अगर बच्चा बार बार शरारत कर रहा है, हमने हमने उसको बता दिया भाई तू मान जा बच्चे मान जा, वो नहीं मान रहा, तो फिर क्या है, उसकी कुटाई करनी चाहिए ना ना। तो ये चीज़ें हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करना जरूरी, पहले हमें उसे समझाना चाहिए आराम। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए आगे हमारा कोग्नेटिव डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। अब देखो कोग्नेटिव डोमेन के अंदर क्या होता है, कोग्नेटिव, कोग्नेटिव के अंदर हमारी नॉलेज होती है। और आगे हम देखते हैं हमारे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ये देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए अपना, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए और सी। ए के अंदर क्या है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, और सी के अंदर है हमारा कोलैबोरेटिव होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। यानी कि हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, जिससे हमारे उद्देश्य पूरे हो जाए, प्लस में कोलैबोरेटिव यानी कि बच्चे भी उसमें कोलैबोरेट करें, के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। तो ये चीज़ है दोस्तों, इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, अब एक क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन करवा पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव कम्युनिकेटिव टीचर विल एंश्योर। ये देखो अब इफेक्टिव कम्युनिकेटिव टीचर टीचर क्या इंश्योर करता है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट ने क्या सीखा है, इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारा टीचर वो कितना इफेक्टिव है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर रहे स्टूडेंट के साथ तो वो क्या प्रमोट करता है? अब देखिए इसका राइट आंसर है सी डी ई, सी डी और ई, कॉग्नेटिव अप्रोच। कॉग्नेटिव के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट की, कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यूज, बच्चों के अंदर सांस्कृतिक और सामाजिक वैल्यू विकसित होती है, ये है हमारा जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इन सभी को देख लेना, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन 2023 में भी आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू मार्क्स लर्नर एक्वायर न्यू। ये देखो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्या होता है हमारा, तो राइट आंसर है ए बी सी,
ABC देखिए, नॉलेज, बिहेवियर और सॉफ्ट स्किल ये होना जरूरी है हमारे लिए इफेक्टिव क्लास जी। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको ये सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी ऐप निमिज नेट जरूर डाउनलोड करना। उसमें आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, पेपर मिलेंगे, सारी चीज़ें में आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करना, कमेंट शेयर करना। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों क्या आप दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट JRF क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स होंगे। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, अपडेटेड वीडियोज हैं ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमने बनाई हैं। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपको मार्च 2023 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको मिलेंगे। और नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आज तक रिसर्च में आ चुके वो अलग है, टीचिंग के अलग, ICT के अलग, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि जैसे हम बात करें रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च के अलग है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अलग है, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो अलग अलग किए हुए आपको मिलेंगे। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप में लाइव मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी दशहरा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। इस ऑफर में आप केवल 599 रुपये में ये कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, प्लस में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 महीने आप स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों देर किस बात कि जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।